प्रभु जी, 1 मिनट वगैरह रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। हाँ, अब स्टार्ट होती है। हाँ जी, हो गया हो गया, ठीक है। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं भगवद गीता का प्रवचन सुनने के लिए। और अभी ही हमने भगवान की जन्माष्टमी का उत्सव सेलिब्रेट किया है, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छे से भगवान का ये उत्सव मनाया होगा। तो मंगलाचरण के साथ आज की कक्षा का हम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहां तक मुझे ध्यान है कि 9th जो श्लोक है वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन बहुत समय के बाद, लगभग 1.5 से 2 महीने बाद ये कक्षा आरंभ हुई है, तो एक बार हम रिपीट कर लेंगे कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा। तो ये जो 9वां श्लोक है, इसमें भगवान ने बताया कि एक शुद्ध भक्त के सिम्टम्स क्या हैं, एक शुद्ध भक्त के लक्षण क्या हैं। और या यूं कहा जाए कि शुद्ध भक्त बनने के बाद व्यक्ति क्या करेगा। कभी कभी किसी का प्रश्न हो सकता है कि लो चलो हम भक्त बन भी गए, है ना, हम भगवान के भक्त हो गए, लेकिन भक्त बनने के बाद क्या करें, हमको सुख कैसे मिलेगा, क्या सिर्फ भगवान का भक्त बन जाने मात्र से सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि भक्त का अर्थ है सेवक, भक्त का अर्थ है सेवक, सर्वेंट। और हमारा इस भौतिक संसार में अनुभव है कि अगर कोई किसी का सेवक बन जाए, है ना, हम में से काफी सारे लोगों ने नौकरी की होगी किसी की, है ना, किसी की सेवा हमने की होगी, सर्विस जिसको बोलते हैं। तो हमने ये देखा है कि किसी की सेवा करने के लिए हम जाएं, किसी को शरणागत हो जाएं, किसी की शरण ले लें, तो क्या होता है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमारा शोषण किया जाता है और हमें परेशान किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी कंपनी में जाएं और वहां पे हमको कोई नौकरी दी जाए कि, और हमारा जो मालिक है वो कहे कि आज तुम्हें इस महीने में 1 लाख रुपए का सामान बेचना है, कंपनी का कोई प्रोडक्ट होगा जो हमको सेल करना है, तो कहेगा तुमको, तुम्हारा टारगेट है कि तुम 1 लाख रुपए का सामान बेचो। तो आप बहुत बहुत कर करके बहुत मेहनत करने के बाद अगर आपने 99,000 रुपए का सामान बेचा, पूरा 1 लाख आप नहीं कर पाए, तब भी क्या होगा, आपकी सैलरी काट ली जाएगी, आपको बहुत प्रेशराइज किया जाएगा, बहुत भला बुरा कहा जाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे बहुत अच्छा किया आपने 99,000 कर लिया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। और जबकि आपको उसके लिए कहा जाएगा कि आपको पूरा 1 लाख आप नहीं कर पाए, इसलिए आपको जो बोनस मिलना था, जो आपका सैलरी मिलना था, वो उतना नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर अगले महीने आपने बहुत मेहनत लगाई और आपने पूरा 1 लाख रुपए का अपना लक्ष्य को पार कर लिया।
अब जब आप अपने बॉस के पास जाएंगे, मालिक के पास जाएंगे, तो वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है तुमने 1 लाख रुपया कर लिया, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ करने काम करने वाला तुम्हारा कलीग है, इसने 1,10,000 रुपये का किया है, पता है तुम्हें? तुम देखो तुम ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर तुमने भी अच्छे से मेहनत की होती तुम भी 1,10,000 रुपये का सामान बेचते, ना कि सिर्फ 1 लाख रुपये का। तो इससे पता चलता है कि भौतिक जगत में जो हमारा अनुभव है किसी के शरणागत होके काम करने का, किसी के अंदर काम करने का, किसी के अंडर काम करने का, वो अच्छा नहीं है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं हम भक्त क्यों बने, हम भगवान की सेवा क्यों करें। ज्यादातर जो लोग हैं वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, ज्यादातर लोग भगवान की सेवा इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि बदले में भगवान उनको रुपया दें, पैसा दें, अच्छी गाड़ी दें, अच्छा घर दें, स्वस्थ जीवन दें, उनका कोई शरीर में रोग है तो भगवान उसको हर लें। वास्तव में ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के साथ कुछ व्यापार को करना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। लेकिन जो भगवान की भक्ति है वो सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बदले में हम भगवान से कुछ चाहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान का भक्त कभी भी बदले में कुछ नहीं चाहता। जैसे एक माँ होती है, वो जब बचपन में उसका बच्चा छोटा होता है, तब वो छोटा बच्चा क्या करता है अपनी माता के ऊपर, है ना, सुसु कर देता है। लेकिन क्या उसकी माँ परेशान होती है? कोई परेशान नहीं होती। अच्छा, रात को उसका कपड़ा भी जो है बदलेगी, धोएगी भी, अपने कपड़े भी उसको बदलने पड़ते हैं रात रात को उठ के, और चाहे सर्दी हो भरी सर्दी, तब भी ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को अपने से दूर कर देती है। और क्या उस बच्चे से उसकी कोई इच्छा है? क्या वो ये चाहती है कि ये बच्चा मेरे लिए कुछ करके दे? लेकिन उस बच्चे की गंदगी को साफ करने में भी उसको आनंद का अनुभव होता है। तो ऐसी ही सेवा, ऐसी ही निष्कपट सेवा, बिना किसी अटीरियर मोटिव के कि हमको भगवान से कुछ चाहिए, इसी को भक्ति कहा गया है। और भगवान बताते हैं इस 9वें श्लोक में कि जब भक्त उस स्तर तक पहुंच जाता है, उस भक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, है ना, जब उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति की ओर वो पहुंच जाता है, तो भगवान कहते हैं वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचता रहता है, उसका चिंतन हमेशा मेरे विषय में है। जैसे अभी हम क्लास सुन रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति हो जिसको ऑफिस का काम करना हो, है ना, हो सकता है ना किसी का कोई काम बाकी रह गया है, या किसी का घर का कोई काम बाकी रह गया है, या कोई माताजी यहाँ पे होंगी जिनको अभी जो है कुछ 2-4 रोटी बना के अपने पति को देनी होगी या बच्चों को देनी होगी, और उन्होंने सोचा होगा कि अरे जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब हम उस काम को कर लेंगे। तो मन में बार 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 वो विचार अपने आप आता रहता है, थोड़ा थोड़ी 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 देर में आपके मन में विचार आएगा रोटी बनानी है, थोड़ी देर में आपके मन में विचार आएगा कि मेरे को ऑफिस का काम करना है, अगर कोई बच्चा होगा तो उसको थोड़ी देर में विचार आएगा मेरे को कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना है, या स्कूल का कोई असाइनमेंट पूरा करना है, होमवर्क करना है, ऐसा होता है ना। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त बन चुके हैं, भगवान की भक्ति जिनको अच्छे ढंग से प्राप्त हो गई है, वो बाकी दुनिया के सारे काम करते हुए उनको बार बार चिंतन आएगा भगवान का, उनको बार बार चिंतन आएगा भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम कितना मधुर है, मैं भगवान का नाम जपूंगा, उसको लगेगा बार बार कि मैं भगवान के बारे में पढ़ूंगा, भगवान के बारे में सुनूंगा, मैं मंदिर जाके भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान कितने सुंदर है। तो ये जो चिंतन है,
भगवान को सुखी बनाने का और हमेशा भगवान के विषय में सोचने का, यही वास्तव में शुद्ध भक्त की मानसिकता है कि उसके मन में हमेशा कृष्ण का चिंतन चलता है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसा भक्त क्या करता है, उसके जो विचार हैं उनमें मैं वास करता हूं, हमेशा वो मेरे विषय में ही सोचते रहते हैं, और जब वो मेरे विषय में सोचते हैं तो हमेशा मेरी ही सेवा करते रहते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि कोई शराबी व्यक्ति है तो उसके दोस्त क्या होंगे? उसके दोस्त भी शराबी होंगे, उसकी जो संगति होगी वो शराबियों की संगति होगी, सब साथ में बैठ के शराब पियेंगे। ऐसे ही जो जुआ खेलते हैं उन लोगों का क्या होगा, उनके जुआरी दोस्त होंगे, वो सब जुआ खेलेंगे। इसी प्रकार से जो एक भक्त है उसके कैसे दोस्त होंगे? प्रभु जी कह रहे भक्त जैसे ही दोस्त भक्त होंगे, उसके जैसे ही जो दोस्त होंगे। होंगे हाँ वो भी भक्त होंगे, जो दोस्त हैं वो भी भक्त होंगे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि पहला तो वो मन में हमेशा मेरा विचार करते हैं, दूसरा हमेशा मेरी सेवा करते हैं, तीसरा ऐसे ही संग में रहते हैं जो कि मेरे भक्त हों, हमेशा मेरे भक्तों के संग में रहते हैं, और क्या करते हैं, सदैव सदैव मेरे विषय में चर्चा करते हैं, हमेशा भगवान की लीलाओं की भगवान की कथाओं की चर्चा करते हैं, और इसी से उनको क्या प्राप्त होता है, इसी से उनको सुख प्राप्त होता है, इसी से उनको आनंद प्राप्त होता है, और इसी से उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। हम सब जो संतुष्टि बड़ा घर बड़ी गाड़ी रुपया पैसा अच्छी पत्नी अच्छा पति अच्छे बच्चे अच्छी पढ़ाई इन सब चीजों में खोज रहे हैं, वो सब चीज भगवान के भक्त को मात्र दूसरे भक्त के साथ भगवान की लीलाओं की चर्चा करने से प्राप्त हो जाती है, उससे भी कई गुना अधिक। ये कहना तो गलत होगा कि जो खुशी आपको गाड़ी में बैठ के प्राप्त होगी, नई गाड़ी खरीदने से प्राप्त होगी वो खुशी होगी, अपितु उससे कहीं 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 गुना अधिक इस पूरे संसार के सुख को एक जगह लाके मिला दिया जाए तब भी ऐसा सुख प्राप्त नहीं होगा जो भगवान की कथाओं को करने से भक्तों को प्राप्त होता है, तो वो सुख बहुत बड़ा है। तो ये बात भगवान ने 9वें श्लोक में अर्जुन को बताई। फिर आगे 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, जो सदैव मेरा चिंतन कर रहा है, मेरे नाम का जप करता है, मेरे भक्तों के साथ रहता है, मेरे भक्तों के बीच में मेरी लीलाओं का सुनता पड़ता है, उसको वो क्या करते हैं? अब जैसे कई बार मेरे से जो भक्त हैं जो डेफ डिवोटीज हैं वो प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम तो सुन नहीं सकते हैं है ना, बोल नहीं सकते हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हम कैसे कृष्ण प्राप्ति करेंगे, हमको कैसे कृष्ण मिलेंगे, बहुत बार प्रश्न होता है। लेकिन भगवान ये 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में साफ बता रहे हैं कि जो हमेशा मेरे भजन में लगे रहते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे कि वो मेरे पास तक आ सकें, मैं उनको कैसे प्राप्त हूं ये ज्ञान मैं उनके हृदय में उनको देता हूं, बाहर से ज्ञान की आवश्यकता कुछ नहीं पड़ेगी, आप अच्छा भाव बना के रखें, सदैव भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, अच्छा भाव बना के रखें कि भगवान ने जो दिया जैसा दिया वो पर्याप्त दिया, अगर ऐसा भाव आपने बना दिया तो आपके हृदय में भगवान उस ज्ञान को प्रकट करेंगे जिससे कि आप भगवान तक पहुंच सकेंगे, भगवत प्राप्ति आपके लिए बहुत सरल बन जाएगी, साक्षात इन आंखों से आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमको एक ही काम करना है, अगर हम चाहते हैं कि भगवान का हमको दर्शन मिले और भगवान भगवान की प्राप्ति हमको हो जाए, भगवान की सेवा हमें मिले, बस अच्छा भाव बना के रखना है, हमेशा ये मस्तिष्क में रखना है कि भगवान सदैव मुझे ही देख रहे हैं, भगवान की जो निगाह है
वो सदैव मेरे ऊपर है, वो हमेशा देख रहे हैं ये जो मेरा बच्चा है नीचे ये क्या करता है, क्या ये मेरे पास तक आने का प्रयास कर रहा है। हम देखते हैं जब कोई छोटा बच्चा होता है 1 साल का 2 साल का, तो उसके पिताजी तो हैं 6 फुट के और वो छोटा सा बालक है, तो क्या करता है ऐसे नीचे से हाथ उठाता है पिता की तरफ, है ना, कि वो ऊपर चढ़ना चाहता है, पिता की गोदी में जाना चाहता है। लेकिन क्या 6 फीट के व्यक्ति की गोदी में कोई छोटा बालक जा सकता है 1 साल का 2 साल का, अपने बल से अपने प्रयास से क्या उस तक पहुंचा जा सकता है? क्या करते हैं, जैसे पिता रीझ जाते हैं उस बच्चे पे कि अरे देखो ये छोटा बालक है लेकिन मेरी गोदी में आना चाहता, क्या करते हैं, झुकते हैं और उसको उठा लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमारे परम पिता हैं, जब हम उनके पास जाने की इच्छा करेंगे, है ना, उनका भक्त बनने की इच्छा करेंगे, हम चाहेंगे कि हमको उनकी प्राप्ति हो, तो हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तो केवल नाम जप करेंगे, पूरा दिन उनको जो है याद करेंगे, हे भगवान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इन नामों के उच्चारण द्वारा हम उनका स्मरण करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमें गोदी में उठा लेंगे। तो इसीलिए भक्ति कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ इम्प्रैक्टिकल चीज है और सबके बस का नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। आचार्यों ने कहा है कि भक्ति तो एक ऐसी वस्तु है जो कि एक पशु को भी क्या कर दे, भगवान की प्राप्ति करवा दे। हम सब ने एक कथा सुनी होगी, एक बार हाथियों के राजा थे, एक हाथियों का राजा था और वो अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ पानी में नदी में स्नान कर रहा था, खेल रहा था। आपने कभी देखा है हाथी को कैसे नदी में स्नान करता है, कैसे खेलता है, बहुत पानी उड़ाता है वो, है ना। अगर आपने कभी टीवी में देखा होगा या गांव में आप रहते हैं तो आपने देखा होगा, खूब वो जो है पानी उड़ाता है, खूब मस्ती करता है। तो बहुत समय तक वो मस्ती कर रहा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी उनके साथ खेलता था वो। लेकिन हुआ क्या, उस पानी में एक बहुत शक्तिशाली मगरमच्छ रहा करता था, बहुत विशाल मगरमच्छ था। अब वैसे तो अगर आप जानते होंगे तो जो हाथी होता है वो किसी से भी नहीं डरता, वो बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन हाथी की शक्ति पानी के अंदर कम हो जाती है और मगरमच्छ की शक्ति तो पानी में ही होती है। तो उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया और बहुत अच्छी तरीके से उसको जकड़ लिया, पूरे उसके पैर को। हाथी बहुत प्रयास करता रहा कि मैं बाहर निकलूं बाहर निकलूं बाहर निकलूं, लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उसकी जितनी भी पत्नियां थीं सब उसको छोड़ छोड़ के चली गईं कि अरे कहीं ये हाथी हमारा पांव ना पकड़ ले। हम भी देखते हैं इस संसार में ऐसे ही होता है ना, जब कोई समस्या आती है तो सब हमको छोड़ के चले जाते हैं, सुख के सब साथी होते हैं, दुख का कोई साथी नहीं होता। तो इसी प्रकार से जब उस हाथी का पांव उस मगरमच्छ ने अच्छे से जकड़ लिया, तो बताया गया है 1,000 वर्षों तक उन दोनों की जो है लड़ाई चलती रही, दोनों में आपस में युद्ध होता रहा। लेकिन पानी के अंदर जो मगरमच्छ था वो बहुत शक्तिशाली था और पूरा हाथियों का राजा होने के बावजूद भी जो हाथी था वो अंत में जाके थक गया। और उसने क्या किया, एक कमल का फूल अपनी सूंड से लिया और भगवान को अर्पित किया और भगवान को पुकारा कि हे भगवान मेरी रक्षा करें, आप आए और मेरी रक्षा करें। और बताते हैं कि भगवान गरुड़ जी पर भी नहीं बैठे कि कहीं लेट ना हो जाऊं, भगवान बिना गरुड़ को लिए सीधे जो है पृथ्वी पर आ गए और क्या किया उन्होंने, सुदर्शन चक्र से उस जो मगरमच्छ था उसका गला काट दिया। और फिर उस हाथी ने भगवान की बहुत स्तुति की और उनको फिर भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो इससे हमको पता चलता है कि पशु की योनि में रहने वाले व्यक्ति को भी, पशु की योनि में जाने वाली एक आत्मा को भी केवल एक पुष्प अर्पित कर देने से भगवान को, भगवान ने क्या किया, उनका उद्धार कर दिया। तो कोई भक्त लिख रहे हैं कि उनका नाम था गजेंद्र, जो हाथी थे उनका नाम गजेंद्र था। ये स्टोरी श्रीमद् भागवतम में आती है,
तो इसके द्वारा हमको पता चलता है कि भगवान हमको बहुत सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन हम प्रयास करें, है ना। अब बच्चा जो है नीचे खेलता रहे और जो है पिता की ओर अपने हाथ ऊपर ही ना करे, है ना, उसके मन में विचार ही ना आए कि जो है मुझे गोदी में लें मेरे पिता, तो कैसे गोदी में लेंगे। तो इसी प्रकार हम हैं, हम अनेक अनेक भोगों में लगे हैं, है ना, भगवान के नाम का जप नहीं करते, क्लासेस में नहीं आते, या कुछ और जो है भगवान की सेवा हम नहीं करते, और फिर हम सोचे कि भगवान आप मेरे को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे, आपका दर्शन क्यों नहीं हो रहा, आपकी सेवा क्यों नहीं मिल रही। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमको कम से कम हाथ तो उठाना पड़ेगा ना, परम पिता परमेश्वर की ओर हमको हाथ तो कम से कम ऊपर करना पड़ेगा कि मुझे अपनी गोद में उठाएं। इसलिए आपने देखा होगा इस्कॉन में सब भक्त हैं तो ऐसा हाथ उठा के नाचते हैं, है ना। तो इसका यही तात्पर्य है कि भगवान जल्दी से आप हमको स्वीकार कर लें। फिर देखिए अभी ये जो 12 से लेके और 18 तक श्लोक है, नहीं अच्छा 11वां श्लोक रह गया है, 11वां श्लोक हम और ध्यान में ले लेते हैं। भगवान जो 10वें श्लोक में भगवान बता रहे थे उसी बात को 11वें श्लोक में और अच्छे से बता देते हैं कि मैं क्या करता हूं, जितने भी प्रकार के उसका अज्ञान है, अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर कर देता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय में ज्ञान जो है दे देंगे। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान को बताया गया है सूर्य के समान, सूर्य के समान प्रकाशमान है ज्ञान। तो जब ज्ञान हृदय में आता है तो अज्ञान रूपी अंधकार तुरंत ही छट जाता है। अच्छा आप पूछेंगे प्रभु जी अज्ञान क्या है, क्या 15 का टेबल याद ना होना ज्ञान है ना। बच्चों को ऐसा मैथमेटिक्स में टेबल्स याद करवाए जाते थे, तो क्या 15 का टेबल याद ना होना ज्ञान, क्या 25 का टेबल याद ना होना ज्ञान, या कोई फिजिक्स का फॉर्मूला याद ना होना कोई अज्ञान। तो इस अज्ञान की बात भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान उस अज्ञान की बात कर रहे हैं जिस अज्ञान में हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, ये पांच पंचभूतों से निर्मित जो शरीर है इसको मैं बुद्धि करते हैं, भूल जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का दास हूं। ये वास्तव में अज्ञान है। इस शरीर से जुड़े हुए जो संबंध ठीक हैं उसमें मेरा भाव है रखते हैं। क्योंकि किसी का माइक शायद ऑन है। मैं प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान किस अज्ञान की बात कर रहे हैं, भगवान उस अज्ञान की बात कर रहे हैं जिसमें मनुष्य क्या समझता है, अपने आप को ये शरीर समझता है और शरीर से उत्पन्न हुए बच्चों को मैं मानता है, उससे जुड़े माता पिता को मेरा मानता है, जिस जगत में पैदा होता है जिस स्थान पे पैदा होता है उसको अपना मानता है ना, ये सब अज्ञान। अब आप कहेंगे तो क्या माता पिता का सम्मान ना करें, क्या बच्चों की सेवा ना करें, बच्चों का पालन पोषण ना करें इस शरीर से उत्पन्न, ना ऐसा नहीं है, सबको पालन पोषण करना है, सबका सम्मान करना है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन सिर्फ इस शरीर से जुड़े हुए लोगों की नहीं, अपितु पूरे संसार की सेवा हमको करनी है। ये पूरा संसार ही भगवान का बनाया हुआ है, इस संसार के सभी प्राणी भगवान द्वारा उत्पन्न है, तो सभी हमारे भाई बहन माता पिता समान ही हुए, इस भाव में उनकी सेवा करना। तो उस अज्ञान को भगवान दूर कर देते हैं ये ज्ञान देके कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, इस जो ये मेरे को शरीर प्राप्त हुआ है, जो मानव देह मुझको प्राप्त हुई है, इसका लक्ष्य एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है।
इस ज्ञान को भगवान आपको हृदय में दे देते हैं, और कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, वो साधन क्या है, वो सारी वस्तुएं भगवान आपको हृदय में प्रदान कर देंगे। अब आगे 12वें से लेकर और 18वें श्लोक तक अर्जुन बताते हैं कि मैं आपकी पोजीशन को स्वीकार कर चुका हूं, मैं समझ चुका हूं कि आप क्या हैं। कभी कभी बाहर भौतिक जगत में लोग आपको ऐसे कहेंगे, आप कोई पूछे आपको भगवत गीता किसने कही, मैं सभी भक्तों से पूछता हूं भगवत गीता किसने कही, व्यास जी ने कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। हाँ व्यास जी ने लिखी लेकिन बोली किसने। हाँ कृष्ण जी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने बोली। लेकिन बाहर आपको भौतिक जगत में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, ये कृष्ण ने नहीं बोली भगवत गीता, ये कृष्ण के अंदर कोई था वो भगवत गीता को बोल रहा था। लोग ऐसी बात आपको बोलेंगे, तो जब कोई हमको ऐसी बात बोलेगा तो हम उसको बताएंगे कि देखो हम जब भगवत गीता अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन का क्या मत था, कंक्लूजन क्या था, क्या अर्जुन ने ऐसा माना कि ये भगवत गीता जो है कृष्ण के हृदय में बैठकर कोई और कह रहा है। भाई देखो ना तो मैं उस समय पे था ना आप उस समय पे थे, ना तो मैं उस समय था जब भगवान ने भगवत गीता कही, ना आप उस समय थे जब भगवान ने भगवत गीता कही, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में ये भगवत गीता भगवान ने कही कि भगवान के अंदर बैठे हुए किसी और व्यक्ति ने कही। तो इसे समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि अर्जुन ने इसको कैसे स्वीकार किया, अर्जुन भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद उनका क्या मत था कि ये भगवान ने कही कि ये किसी उनके अंदर बैठे हुए व्यक्ति ने कही। तो इन श्लोकों में, इन 6 श्लोकों में 12 से 18 तक अर्जुन बता रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप परम भगवान हैं, सुप्रीम लॉर्ड हैं, और परम धाम है, परम धाम का तात्पर्य हुआ जिसकी शरण सब कोई ले सकता है। और कहते हैं परम पवित्र हैं, और परम सत्य हैं, आपके अलावा कोई और सत्य हो नहीं सकता। और कहते हैं आप नित्य हैं, मतलब एटर्नल हैं, दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, आदि पुरुष हैं, सबसे पहले केवल आप ही थे। और अजन्मा है, आपका जन्म नहीं होता। तथा महानतम है, ग्रेटेस्ट है। अच्छा अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हो सकता है कि ये तो अर्जुन उनका मित्र था तो इसलिए उसने ऐसा मान लिया। कोई कहेगा ना कि अर्जुन तो उनका मित्र था, उसने ऐसा इसलिए सोच लिया कि वो तो ऐसे हैं और वैसे हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं भगवान ऐसा नहीं है कि केवल मैं इस बात को सोच रहा हूं, बल्कि नारद, असित, देवल तथा व्यास, कुछ ऋषियों के नाम वहां पे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इन जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं
और अब आपने स्वयं भी मुझसे ये कह दिया है, भगवान ने भगवत गीता में बताया ना कि मैं भगवान हूं, तो ये बता रहे हैं केवल मैं ही नहीं मानता हूं, आपने भी बोला कि आप भगवान हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस बात को मानते हैं कि आप भगवान हैं, और अब मैं भी ये मानता हूं कि आप भगवान हैं। और फिर आगे ये जो मैंने आपको बात बताई है 12 और 13, ये दोनों श्लोक एक साथ हैं, तो इनकी बात है। अब आगे जो 14 श्लोक है उसमें अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जो भी आपने मुझसे कहा है मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूं। भगवान ने बहुत सारी चीजें अर्जुन को बताई हैं, अपना ऐश्वर्य बताया है, तो वो कहते हैं कि मैं इस सारी बात को सत्य मानता हूं, लेकिन हे भगवान, ना तो देवतागण और ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। कोई सोचे कि देवताओं जैसी क्वालिटी अपने अंदर ले आए, है ना, हम बिल्कुल सात्विक बन जाएं तो हम भगवान को जान जाएंगे, तो कहते अर्जुन, कहता ना। कोई सोचे कि असुरों जैसा हमारा वर्ताव हो जाए, असुरों जैसा हम व्यवहार करें, है ना, मांस मदिरा ये सब कुछ खाएं पिएं तो भगवान को जान जाएंगे, तो फिर कौन जानेगा? जो भगवान का भक्त होगा केवल वही भगवान के स्वरूप को समझ सकता है। भक्ति में तीन चीजें जरूर होती हैं, भक्ति में तीन चीजों का होना बहुत आवश्यक है, तभी भक्ति होगी। पहला उपास्य, उपास्य मतलब जिसकी सेवा की जाए, दूसरा उपासक सेवा करने वाला, और तीसरा उपासना की सामग्री। उपासना की सामग्री क्या है? जैसे भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान को तुलसी चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की माला जो है जपते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब सामग्री है, ये सब सेवा की सामग्री है। अब एक दर्शन ऐसा कहता है कि हम और भगवान एक ही हैं, हम में और उनमें कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये बात मान ली जाए कि भगवान में और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप मुझे बताएं क्या इसमें सेवक और सेव्य का भाव रहेगा? इसमें तो फिर एक ही हो गया, दोनों ही उपासक हो गए, फिर सेवा किसकी होगी? अगर मैं भी भगवान हूं और भगवान भी भगवान है, तो सेवा किसकी की जाएगी? तो इसीलिए ये बात समझनी आवश्यक है, भगवान को केवल और केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, कोई और साधन भगवान को पूर्ण रूप से जानने का नहीं है। और भक्ति में ये तीन चीजों का आवश्यकता है, भक्त, भगवान और पूजा की सामग्री। और फिर 15वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप सबके उद्गम हैं, मतलब आप सभी का कॉज हैं, सभी का स्तोत्र हैं, सब कुछ आपके द्वारा ही बनाया गया है, सब आप में से ही निकला है, और इस कारण से आप सभी के सभी प्राणियों के स्वामी हैं। आपको पता है हम सब इस संसार में दुखी क्यों हैं? इस पूरे संसार में कोई एक व्यक्ति भी आप ऐसा खोज के नहीं ला सकते जिसको कोई दुख ना हो, जो ये कहे कि मैं समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हूं। एक एक प्राणी पूरे संसार में ऐसा नहीं ला सकते आप।
बड़े से बड़ा रुपये पैसा वाला व्यक्ति, उसको भी बेचारे को भूख लगती है। अगर सुबह खाना खा लेगा तो दोपहर में फिर भूख लगेगी, और भूख लगे और उसको खाना ना मिले तो क्या उसको दुख होगा ना? अगर भूख के समय खाना ना मिले तो दुख हो जाएगा। तो इसलिए बड़े से बड़े व्यक्ति को भी इस संसार के अंदर दुख है। ये दुख है क्यों? सोचने वाली बात है ना कि हम में से कोई भी, क्या आप में से कोई भी यहाँ इसलिए बैठा है कि इस क्लास को सुनने के बाद बहुत दुख मिले मेरे को, जो एंड रिजल्ट हो इस क्लास का वो दुख हो? सब मना कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इस क्लास को सुनने का फल दुख होगा तो सब कहेंगे ठीक है प्रभु जी हम चलते हैं, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास सुन के, अगली बार से नहीं आएंगे। तो हम में से कोई भी किसी भी कार्य को दुख प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है। हम सभी अपने हर प्रकार के हर कार्य से सुख की प्राप्ति ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हर क्रिया हमको सुख दे, लेकिन फिर भी दुख मिलता है ना। हमारा सारा जो परिश्रम है वो सुख के लिए है, लेकिन बिना मांगे हमको दुख की प्राप्ति हो रही है। इसका एक एकमात्र कारण ये है कि हम अपने आप को स्वामी समझते हैं दूसरी चीजों का। हमारे अंदर ये स्वामित्व की भावना है कि आई एम दी बॉस, या हम किसी गलत स्वामी की सेवा कर रहे हैं। हम जिसकी भी सेवा करते हैं, हो सकता है हमारा बच्चा हो सकता है हमारी पत्नी हो सकता है हमारा पति हो, तो अलग अलग व्यक्तियों की या तो हम सेवा कर रहे हैं या अपने आप को स्वामी मान के बैठे हैं। और क्या भूल गए हैं, सभी स्वामियों का भी स्वामी, सभी प्राणियों का स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अगर उन भगवान को तुष्ट कर दिया जाए, उन भगवान को संतुष्ट कर दिया जाए, उन भगवान को प्रसन्न कर दिया जाए, तब हमको प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। और ये बात हम भूल चुके हैं और इसी कारण हमको दुख है। बस हम इतना समझ लें कि हमारी सेवा सब भगवान के लिए, तो हमको संसार में कोई सुख नहीं होगा। हमारे स्वामी एकमात्र भगवान हैं, तो हमको इस संसार में कोई दुख नहीं होगा, और दोबारा से हमको इस संसार में आना भी नहीं पड़ेगा। और फिर अर्जुन आगे कह रहे हैं कि आप देवों के भी देव हैं। हम लोग कभी कभी, आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे और आप बोलेंगे मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है, क्या करना चाहिए? तो कहेगा सूर्य की पूजा करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। कोई कहेगा मेरे को बहुत ज्यादा कष्ट है, मैं बहुत परेशान हूं, तो कहेंगे अच्छा तुम गणेश जी के पास जाओ, वो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे जो जो अलग अलग परेशान, कोई जैसे बहुत सारी माताओं को मैंने देखा है, ऐसा टीवी में भी हम देखते हैं और वैसे भी देखा है कि वो अच्छा पति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं। उनको पंडित जी कहेंगे कि तुम जो है हर सोमवार का व्रत रखो और भगवान का दूध से अभिषेक करो तो तुमको अच्छे पति की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि भाई ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये उन सभी देवी और देवताओं के भी क्या हैं? देव हैं। उनको ये जो शक्ति प्राप्त है जिससे वो आपकी परेशानियां हल करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से ही आती है, वो वहां से मांग के लाते हैं। जब आप उनसे कोई प्रार्थना करते हैं, हे गणेश जी मेरे कष्ट हर लीजिए, तो गणेश जी कहते हैं अच्छा, फिर वो नरसिंह देव को फोन करते हैं, नरसिंह देव भगवान
ये जय प्रकाश प्रभु जो है मेरे से कह रहे हैं कि मेरा दुख हर लो। नरसिंह देव भगवान उनको कहते हैं, ठीक है मैं उनका सारा दुख हर लेता हूं। तो डायरेक्ट कोई भी देवी देवता किसी का दुख नहीं हरता है, डायरेक्ट कोई भी देवी देवता किसी को कृपा नहीं करता है, वो भगवान से लेकर ही कृपा करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं देवों के देव हैं आप, सभी देवताओं के भी वर्शिपेबल डीटी हैं भगवान, है ना, पूज्य हैं सभी देवताओं के लिए। आपने देखा होगा जब भी भगवान का अवतार होता है तो सारे देवी देवता ऐसे हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और भगवान की स्तुतियां करना आरंभ कर देते हैं। और कहते हैं कि अनडाउटेडली निसंदेह केवल एकमात्र आप ही हैं जो अपने आप को जानते हैं। अगर कोई कहे ना कि मैं जानता हूं भगवान को तो झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि अगर मैं भगवान को पूर्ण रूप से जानता हूं तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि केवल आप ही अपने आप को अपनी शक्ति के द्वारा जान सकते हैं और कोई नहीं है। हाँ किसी ऐसे भक्त को अगर आप कृपा कर दें और कुछ जो है अपने आप को जनवा दें उसको, है ना, तब बस कोई आपको जान सकता है, नहीं तो कोई जो है भगवान को नहीं जान सकता। ठीक है हरे कृष्णा, सॉरी आज मेरे को कहीं जाना था तो 9:45 तक कहीं हमारे पास समय था, तो ये आज का क्लास हम यहीं एंड करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत पेशेंटली सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, और भगवान से मैं बहुत प्रार्थना करूंगा कि आप सबको भगवान की भक्ति मिले, उनकी कृपा प्राप्त करें, और आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो, आप सबकी मैं सेवा कर सकूं ऐसे ही। हरे कृष्णा, ठीक है, स्तुति माता जी, थैंक यू। शायद हो सकता है समीर प्रभु अगर आगे कुछ बोलना चाहें 10-15 मिनट तो वो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है प्रभु जी, हरे थैंक यू, थैंक कृष्णा यू स्तुति प्रभु माता जी। जी, हरे कृष्णा।
Oh, Gracias.